हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी इन टैक्सेशन, मेनली इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स आल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है ज्योयता और मेरे आज के टॉपिक में, आज के हमारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरी को, जिसके कि हमने प्रीवियसली दो वीडियो हमने देख रखे हैं। आप मेरी वीडियो चैनल पर जाकर मेरी वो दो वीडियोस देख सकते हैं। सैलरी का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद हम इसकी रिविज़न देखेंगे। तो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको सैलरी इजी टॉपिक है जो उसको आपको समझने में मुश्किल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी को छोटे पार्ट में। उसका थर्ड पार्ट ये वाला है, जिसको कि हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो दो पार्ट हमारे हो गए हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके दो पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट मेरे चैनल पर है, आप जाके इसके प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं इसके दोनों पार्ट को। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी में। हमने सैलरी क्या होता है, इसके कितने सेक्शन होते हैं, और सेक्शन को हमने बेसिकली डिवाइड करके उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसको सैलरी के कुछ पोर्शन हमने डिवाइड किए थे चार पोर्शन में। आज हम लोग उन चार पोर्शन में से जितना होगा हम उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तीन पोर्शन में हम इसको मेनली डिवाइड करते हैं, बेसिक, नंबर टू इज अलाउंसेस, नंबर थर्ड इज परक्यूसाइट्स, जिसको हम लोग पर्क भी बोलते हैं, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बेसिक से हम लोग देखते हैं, पहले बेसिक को हम लोग करेंगे सैलरी के। ये हमारे तीन पोर्शन, मैंने चार पोर्शन मेनली हमने तीन मैंने बताया था सॉरी फॉर डेट चार पोर्शन में हमने उसको डिवाइड किया है सैलरी को स्टडी करने के लिए। तो मेनली आज हम लोग अपना बेसिक स्टार्ट करेंगे कि बेसिक में होता क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी का बेसिक क्या कहता है। तो बेसिक यानी कि हमारी बेसिक पे, एक्चुअली हमारी क्या पे है, सैलरी हम लोग कह सकते हैं, असल में हमारी सैलरी क्या है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, मेनली बेसिक, जिसमें कि हमारा ऐड होता है बोनस, कि अगर हम लोगों को कुछ बोनस में मिला है जिसको कि हम बेनिफिट कह सकते हैं, प्रॉफिट से अगर हमें कुछ बेनिफिट हुआ है वो क्या है, हमारा बोनस। बोनस, कमीशन, कुछ भी कमीशन अगर हमने लिया है तो वो क्या होता है, हमारा कमीशन। साथ में आता है हमारा डीए, यानी कि डियरेंस अलाउंसेस, यानी कि महंगाई भत्ता। कुछ महंगाई होती है हर एक एम्प्लॉय को मिलती है, महंगाई भत्ता बोलते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा बेसिक, ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक। अब हम लोग देखेंगे अलाउंसेस। एक्चुअल में अलाउंसेस होते क्या हैं, अलाउंसेस यानी कि कुछ जो सुविधा बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, बेनिफिट्स जैसे कि हमारे क्या हैं, एचआरए, ईए, ईसीए, ये सब।
अब अलाउंसेस के भी हमारे कुछ पार्ट हैं। अलाउंसेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अलाउंसेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है हमारा फुल्ली टैक्सेबल। फिर आता है हमारा पार्शियली टैक्सेबल। और कुछ आते हैं हमारे स्पेशल अलाउंसेस। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग फुल्ली टैक्सेबल में हमारे क्या क्या आते हैं। फुल्ली टैक्सेबल में आते हैं जैसे कि हमारे सर्वेंट अलाउंसेस, उसके बाद आते हैं हमारे वर्डेंट अलाउंसेस, इंट्रीम अलाउंसेस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, ये सब क्या है हमारे अलाउंसेस हैं। तो उसके साथ आते हैं हमारे DA अलाउंसेस, प्रोजेक्ट के लिए कुछ अलाउंसेस हमें मिलते हैं, ओवर टाइम, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है हमारे फुल्ली टैक्सेबल है। अब बात करते हैं पार्शियली टैक्सेबल। पार्शियली टैक्सेबल पे हमारा इम्पोर्टेंट है मेनली हमारा HRA। HRA को हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग ये अपनी स्पेसिफिक अलाउंसेस को भी देख लेते हैं। स्पेसिफिक अलाउंसेस में आते हैं हमारे, सॉरी ये स्पेशल बताया मैंने, ये स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक अलाउंसेस में आते हैं जैसे कि हमारे जो एक्चुअल में हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक अलाउंसेस के अंदर आते हैं हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमारे डेली के अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, रिसर्च अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, ये क्या हैं हमारे अलाउंसेस हैं जो कि हम लोगों को याद रखने हैं कि ये अलाउंसेस हमें मिलते हैं। सर्वेंट, वेंडेंट, वेडेंट, इंट्रीम, फिक्स मेडिकल, टिफिन, DA, प्रोजेक्ट, ओवर टाइम, ट्रांसपोर्ट, डेली अलाउंसेस, हेल्पर, रिसर्च, यूनिफॉर्म, कन्वेंस। तो ये कुछ होते हैं हमारे अलाउंसेस। ये थे हमारे स्पेसिफिक अलाउंसेस। ठीक है, 3 पार्ट में। इन्हीं में से हमारा आता है स्पेशल अलाउंसेस जो कि इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल के साथ हम लोग HRA को भी कवर करेंगे। HRA को हमें थोड़ा समझना है तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। HRA हम अपने दूसरे शीट पर कवर करेंगे। अभी के लिए हम लोग स्पेशल अलाउंसेस को देख लेते हैं। स्पेशल अलाउंसेस, इसमें कुछ चार्जेस हमें मिलते हैं, उसी के हिसाब से हमें ये अलाउंसेस मिलते हैं। मीन्स इनमें क्या है, स्पेसिफिक रेट हमारा डिसाइडेड है स्पेशल अलाउंसेस में। सबसे पहले देखिए, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन अलाउंसेस हम लोगों को जो भी पर्सन, मतलब कि जो एम्प्लॉय सैलरीड पर्सन है उनको 100% मिलेगी, लेकिन अप टू 2 चाइल्ड, 2 बच्चे होने चाहिए तभी ये मिलेगा।
नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड हॉस्टल। अगर बच्चा हॉस्टल पर रहता है तो उसके लिए अलाउंसेस मिलेगी कितनी, 300 रुपये पर मंथ। ये भी दो चाइल्ड होने चाहिए तभी मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, मैं यहीं पे बता रही हूँ थर्ड पॉइंट भी, ये हमारा स्पेशल अलाउंसेस का ही पार्ट है, उसमें ही आता है हमारा ट्रिबल एरिया। अगर ट्रिबल एरिया में रहते हैं तो भी हमें अलाउंसेस मिलेंगे। इसका भी हमें पर मंथ 200 रुपये मिलता है। बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के लिए भी मिलेगा। बॉर्डर एरिया के लिए मिलेगा हमें, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, 200 से लेके 1300 तक का मिलता है हमें पर मंथ। ये पीएम जो है ये सब पर मंथ है। रनिंग अलाउंसेस कहीं से भाग जाने के लिए हमें मिलते हैं ये अलाउंसेस, मतलब रनिंग अलाउंस मिलता है, ये सब नहीं मिलते, सॉरी फॉर दैट। रनिंग अलाउंसेस में कितना मिलता है हम लोगों को, 10,000 मिलता है पर मंथ, और 70% भी मिलता है अलाउंसेस का। नेक्स्ट होता है हमारा अंडरग्राउंड, कहीं पे छुपने के लिए कि भाई अब तुम भाग जाओ यहाँ से, उसके लिए भी हमें अंडरग्राउंड अलाउंसेस मिलते हैं, 800 रुपये पर मंथ। अब हम लोगों को सिर्फ समझना है अपना एचआरए। तो आज के एचआरए कम एचआरए हमने क्या करा है, बेसिक कवर करा है। अलाउंसेस में हमने अपने बेनिफिट्स को देखे हैं, फुल्ली टैक्सेबल, पार्शियली एंड स्पेसिफिक अलाउंसेस। ठीक है, तो फुल्ली टैक्सेबल में हमारे ये आते हैं, पार्शियली टैक्सेबल में हमारा मेन एचआरए होता है। एचआरए को अभी हम समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एचआरए हमारा। एचआरए हम मेनली सभी को मिलता ही है, सैलरीड पर्सन को, तो हम अभी इसको लास्ट में अच्छे से समझने वाले हैं। स्पेसिफिक अलाउंसेस हमने डिस्कस करे, ठीक है, और ये होते हैं हमारे को स्पेशल अलाउंसेस, जिसमें कि हमारे रेट बिल्कुल डिसाइडेड होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं अपना एचआरए। एचआरए यानी कि हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि हाउस से जो हमें अलाउंसेस मिले। हाउस रेंट अलाउंसेस को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहले हैं जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर आते हैं वो वाले, दूसरे हमारे अदर सिटीज़ के अंदर। मेट्रो सिटीज़ यानी कि जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अदर जो भी हमारे दूसरे आते हैं जितने बाकी रह गए वो, इसमें भी हमारा जो भी हमें एक्चुअल रेंट रिसीव होता है वो तो लगेगा ही। सेम हियर, एक्चुअल रेंट रिसीव। नेक्स्ट होता है हमारा रेंट जो भी हमें पेड होता है उसमें से हमारा जाएगा कितना, 10%। सैलरी में से कट हो जाएगा, इसमें भी हमारा सेम जाएगा, 10% कट हो जाएगा हमारा, सेम है, मैंने पूरा कंप्लीट इसलिए लिखा नहीं है, आप लोग जो समझ लीजिए। उसके बाद इसमें हमारा 50% ऑफ सैलरी जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, 40%। ये क्यों जाएगा 40 और ये क्यों जाएगा 50, क्योंकि 50% इसलिए जाएगा बिकॉज ये जो मेट्रो सिटीज़ वाले एरिया हैं ये क्या होते हैं, हमारे कॉस्टली एरियाज होते हैं, जबकि जो दूसरे हैं ये क्या है, उतने कॉस्टली नहीं है,
उनके कंपैरिजन में। तो 1, 2, 3 इन 3 पॉइंट में जो सबसे कम वाला होगा वो क्या होता है हमारा एचआरए। लोअर ऑफ 3 इज लीस्ट इज एचआरए, जो इनमें से सबसे छोटा होगा लीस्ट कम वाला होगा जो इन तीनों में से, वो कहता है हमारा एचआरए। अब आता है अगर हमारा खुद का घर है तब तो एचआरए मिलेगा ही नहीं, नो एचआरए। इसमें क्या है हमें कोई एचआरए नहीं मिलेगा। इसमें क्या है रेंट अगर भी है तो इसमें क्या होगा 10% इक्वल हो जाएगा नॉट सैलरी ऑफ इक्वल। तो यहाँ पर जो है हमारा एचआरए भी कंप्लीट होता है। तो अभी हमने अपना बेसिक और अलाउंसेस कंप्लीट करा है। अभी भी हमारा क्या रहता है परक्यूसाइट्स बाकी है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स बाकी है। ये हम सैलरी को धीरे धीरे पार्ट टू पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमें समझने में इजी हो, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना जाए, इसलिए इनको हमने पार्ट में डिवाइड किया है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 1 और 2 दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वो चीज़ें समझनी है उसमें मैंने चार्जेस और सैलरी पूरा बताया हुआ है कैसे होता है। इसमें हमने बेसिक और अलाउंसेस कवर किए हैं इस वाले वीडियो में। तो एचआरए पे हमारा ये कंप्लीट होता है। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परक्यूसाइट्स एंड अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्लीट करके कंप्यूटेशन करेंगे इनकम टैक्स का, इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो यहाँ पर हम अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ भी आपको बताना हो मुझे, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरे सारे वीडियोज़ इसमें पता लगेंगे कि मेरे वीडियोज़ कब आ रहे हैं, आपको पता लगेगा मेरे वीडियो का। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई दूसरा नया टॉपिक अगर जानना हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।